शुक्रवार आधी रात से ठीक पहले उत्तर पश्चिमी नेपाल में जोरदार भूकंप आया, जिससे कई लोगों की जान चली गई। अधिकारियों ने बताया है कि कम से कम 69 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हो गए हैं कि पहाड़ी गांवों में बचाव प्रयास जारी हैं। कई इलाकों से संचार बाधित हो गया है और मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। 5.6 की प्रारंभिक तीव्रता वाला भूकंप 800 किलोमीटर से अधिक दूर नई दिल्ली, भारत तक महसूस किया गया। भूकंप के केंद्र की पहचान नेपाल के राष्ट्रीय भूकंप निगरानी एवं अनुसंधान केंद्र द्वारा काठमांडू से लगभग 250 मील उत्तर पूर्व में जाजरकोट में की गई थी। रुकुम जिले में कम से कम 35 लोग हताहत हुए, कई घर ढह गए, जबकि जाजरकोट में 34 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। सुरक्षाकर्मी कठिन परिस्थितियों में घायलों को बचाने और मृतकों को निकालने के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें भूकंप और उसके बाद के झटकों के कारण हुए भूस्खलन के कारण अवरुद्ध रास्ते भी शामिल हैं। नेपाल में भूकंपों का इतिहास रहा है। 2015 में 7.8 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप ने हजारों लोगों की जान ले ली और व्यापक संरचनात्मक क्षति हुई।